नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार नेमा आप सभी का स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे और मैथ के भी उपलब्ध हैं, पर्यावरण के भी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। कोलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार किसे बताया है? तो किसे बताया है, तर्क शक्ति को बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है, नैतिकता के विकास का प्रारंभिक स्तर है तो क्या है, प्रयास एवं भूल का स्तर। इसके बाद नेक्स्ट है, नैतिक मूल बालकों को किस प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं? जो नैतिक मूल है बालकों को किस प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, आदर्श व्यवहार के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, पियाजे ने नैतिक विकास में बालक की किन योग्यताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है? तो किसे बताया है, संज्ञानात्मक ज्ञान की। इसके बाद नेक्स्ट है, कोलबर्ग का मानना है कि क्या मानना है, बालक में नैतिक विकास उसकी तर्क शक्ति के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की एक प्रारंभिक अनुभव पर प्रथम किसका प्रभाव पड़ता है? बालक की एक प्रारंभिक अनुभव पर प्रथम किसका प्रभाव पड़ता है, तो परिवार का पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध होता है, तो संवेदात्मक विकास का संबंध होता है वह किसका होता है, मूल प्रवृत्ति एवं संवेग से। इसके बाद नेक्स्ट है, सामान स्वास्थ्य का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो सामान स्वास्थ्य वाले बालक होंगे उनका विकास पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, सामान सामान ही विकास सामान होता है, मतलब विकास सामान होगा जो सामान स्वास्थ्य वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु कैसा होता है, उदासीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होती है, तो जो समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होती है, परिवार होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण को प्रभावित नहीं करता, तो क्या नहीं करता, प्रभावित पोषण नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सुरक्षा की भावना के विकास का प्राथमिक स्रोत है तो क्या है, परिवार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन द्वारा पता लगाया जाता है, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन द्वारा पता क्या लगाया जाता है, बालकों की निष्पत्ति एवं उसके द्वारा अर्जित ज्ञान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है, दो मूल्य एक व्यापक मूल्यांकन भी होता है, यहाँ पे क्या पूछा है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है, तो दैनिक अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित मूल्यांकन करना, ठीक में इसमें दैनिक होता है और इसमें क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, तो बालकों के विकास की विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, बालकों के विकास की विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना। इसके बाद नेक्स्ट है, बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है, यह कथन किसका है, तो इस किसका है, स्पीयरमैन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि किस प्रकार की शक्ति या योग्यता है, तो यह क्या है, जन्मजात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, स्पीयरमैन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया, तो किसने किया, बिने या साइमन, जिसे हम साइमन बिने भी कहते हैं। बिने तथा साइमन ने किस वर्ष पहला बुद्धि परीक्षण बनाया, तो कब बनाया, 1905 को। इसके बाद नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो बुंट ने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन स्केल का संशोधन किसने किया, तो जो बिने साइमन स्केल का संशोधन किसने किया, टर्मेन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन स्केल का संशोधन नाम क्या है, तो जो बिने साइमन स्केल का है वो संशोधन नाम क्या है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल।
इसके बाद नेक्स्ट है, किस बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषाओं तथा संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है? किस बुद्धि परीक्षण में व्यक्ति को भाषाओं तथा संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है? क्या है? शाब्दिक परीक्षण में। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलता होती है? तो जो सफल पेंटर होता है उसमें कैसी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि। इसके बाद नेक्स्ट है, भाषाई बुद्धि से किसका परिचय मिलता है? भाषाई बुद्धि से किसका परिचय मिलता है? भाषा संबंधी बोध क्षमता का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बुद्धि का संबंध संगीत के तत्वों से रहता है? तो किसका रहता है? संगीतिक बुद्धि का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसका स्वतः खालिस्तान ज्ञान खालिस्तान प्राप्त हो जाता है, मतलब स्वतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञान समाप्त हो जाता है, सॉरी समाप्त हो जाता है, मतलब यदि व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उसका स्वतः ज्ञान समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि है तो बुद्धि क्या है? मानसिक योग्यता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा कारीगर मैकेनिक इंजीनियर बनने में किस प्रकार की बुद्धि सहायक होती है? तो कैसी होती है? मूर्त बुद्धि सहायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, बुद्धि के विशिष्ट तत्व का संबंध व्यक्ति के किस प्रकार के कार्यों से होता है? जो बुद्धि के विशिष्ट तत्व का संबंध व्यक्ति के किस प्रकार के कार्यों से होता है, तो वो क्या है? विशिष्ट कार्यों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनी साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष तक के बालकों के लिए थी? तो कितने वर्ष के लिए थी? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बालकों के, सॉरी 15 वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 15। इसके बाद नेक्स्ट है, एक अच्छा साहित्यकार बनने में किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी? तो किस प्रकार बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी? भाषाई बुद्धि की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अपने आप में क्या है? भाषा अपने आप में क्या है? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। इसके बाद नेक्स्ट है, भाषा को आधार प्रदान करते हैं, तो आप भाषा को आधार प्रदान कौन करते हैं? शब्द करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, चिंतन का विकास भाषा के विकास के खालिस्तान होता है, कुछ समय बाद प्रारंभ होता है, कब होता है? कुछ समय बाद प्रारंभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वास्तविकता से संबंधित होता है, तो वास्तविकता से क्या संबंधित होता है? चिंतन। इसके बाद नेक्स्ट है, भाषा और विचार में कैसा संबंध होता है? तो भाषा और विचार में कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, बालकों में चिंतन योग्यता के प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है, बालकों में चिंतन योग्यता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो तर्क व वाद विवाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक की मानना है कि चिंतन की प्रक्रिया सबसे पहले होती है और बाद में उससे संबंधित शब्दों का प्रकाश होता है? तो किस मनोवैज्ञानिक की है? जीन पियाजे की। इसके बाद नेक्स्ट है, विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है, विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है, तो क्या है? साधारण बालक से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। जो विशिष्ट बालक होता है वो साधारण बालक से भिन्न होता है, गुण में भी व्यवहार में भी। इसके बाद नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता, तो जो सामान्य बालक है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रकार के बालकों में संगीतात्मक अधिक पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? प्रतिभाशाली बालकों में। इसके बाद नेक्स्ट है, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है, तो जो मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत उपयोगी है। इसके बाद नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए, जो विशिष्ट बालक है उनको पढ़ाया जाना चाहिए अन्य बालकों से अलग वर्गीकरण करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह किस प्रकार का बालक होगा? तो वह कैसा होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मौलिकता किसकी पहचान है? तो मौलिकता किसकी पहचान है? सृजनशीलता की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक वह है
जो मानसिक शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। यह कथन किसका है? यह किसका है? किक का है। इसके बाद नेक्स्ट है, मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा किस प्रकार के में पाया जाता है, सृजनशील बालकों में। इसके बाद नेक्स्ट है, अंधे बालक को शिक्षण दिया जाता है, जो अंधे बालक हैं उनको बेल पद्धति द्वारा शिक्षण दिया जाता है। तो ये हमारे आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।